चलो टीलू बेटा जल्दी करो, तुम्हें मौसी के घर आना है या नहीं, चलो जल्दी जल्दी। हाँ मम्मी, बस एक मिनट, मैं मेरी पढ़ाई की किताबें ले रहा हूँ। जल्दी करो बेटा, नहीं तो पंची बस निकल जाएगी। लाडो चिड़िया थोड़े दिनों के लिए अपनी बहन माया चिड़िया के यहाँ जा रही है, तभी उसे रास्ते में कालू कौवा रोक लेता है। अरे लाडो, ये बैग वैग भर के कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं थोड़े दिनों के लिए अपने बहन के घर जा रही हूँ। बहुत दिनों से वो मुझे बुला रही है, लेकिन घर के कामों की वजह से मेरा जाना ही नहीं हो रहा। लेकिन अब मेरी बहन माया के बेटे की सगाई है, इसलिए मुझे अब तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाके आओ, लेकिन लाड़ो तुम जल्दी वापस आ जाना। क्या तुम भूल गई? एक हफ्ते बाद मेरे भी बेटे की सगाई है। हाँ कालू भैया, मुझे याद है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी पंची बस छूट जाएगी। लाड़ो वहाँ से निकल कर पंची बस स्टॉप पर आ जाती है। थोड़ी ही देर में पंची बस आ जाती है। लाड़ो बस में बैठकर अपनी बहन के घर की तरफ निकल पड़ती है। ये, मैं अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ। रात हो जाती है। अरे वाह, ये कौन सा जंगल है? इतने सारे पक्षियों के घोंसले देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मैं बहुत देर से उड़ रही हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं इसी जंगल के बाहर अपना डेरा बसा लेती हूँ। ईम रीम क्लीम छू। सुबह हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरे अंडे कहाँ गए? तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे बुलबुल, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊँ रानो, कल रात को सोने तक मेरे अंडे घोंसले में ही थे, लेकिन सुबह जब मैंने उठकर देखा तो मेरे अंडे गायब थे। पता नहीं मेरे अंडे किसने चोरी किए। लगता है जंगल में कोई शिकारी पंछी घुस आया है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है, सारे पंछी सतर्क हो जाते हैं। लेकिन रानो चिड़िया बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसने सुबह ही दो अंडे दिए थे। रात हो गई। रानो चिड़िया आंखों में तेल डालकर अपने अंडों की रक्षा कर रही थी। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में सो रहे थे। रात थोड़ी गहरी हो गई। इधर चुड़ैल फिर से अंडे खाने के लिए पक्षी का रूप लेकर जंगल में आ जाती है। अंडों की खोज में वो जंगल के ऊपर से उड़ रही थी। थोड़ी देर खोज करने पर वो रानो चिड़िया के घोंसले के पास रुक जाती है। मुझे इसी घोंसले से अंडे की खुशबू आ रही है। चुड़ैल खिड़की से झांक कर देखती है। देखती है तो क्या, रानो चिड़िया अपने अंडों को पंखों के नीचे छुपाकर बैठी हुई थी। अरे आधी रात हो गई है, फिर भी ये चिड़िया क्यों जाग रही है? मुझे अब मेरे जादू से इसे अपने वश में करना होगा। चुड़ैल अपने जादू से रानो चिड़िया को अपने वश में कर लेती है। जैसे ही रानो चुड़ैल के वश में आ जाती है, चुड़ैल अपने हाथ लंबे कर लेती है और रानो चिड़िया के दोनों अंडे चुरा कर वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल का जादू सुबह होने तक चलता रहा। जैसे ही जादू का असर खत्म हो गया, रानो चिड़िया होश में आ गई। उसने देखा उसके भी दोनों अंडे गायब हो गए थे। सुबह होते ही सारे जंगल में अफरा तफरी मच गई। रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ गया। अरे रानो, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊँ कालू भैया, कल सुबह किसी ने बुलबुल चिड़िया के अंडे चुराए थे और आज मेरे भी अंडे चोरी हो गए हैं। मैं तो रात भर आँखों में तेल डालकर मेरे अंडों की रक्षा कर रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे आधी रात तक तो सब कुछ याद है, लेकिन आधी रात के बाद का कुछ भी याद नहीं आ रहा। सुबह जब मेरी आँखें खुल गई, तब मैंने देखा कि मेरे भी अंडे गायब थे। रानू की बात सुनते ही कालू कौवा सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है जंगल में सच में कोई चालाक शिकारी पंछी घुस आया है। वो दिन में नहीं रात में शिकार कर रहा है। मैं एक बार जाकर पूरा जंगल छान मार लेता हूँ, देखता हूँ कोई नया पंछी का घोंसला मुझे दिख जाए। कालू जंगल के ऊपर से उड़ रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही खोज करने पर जंगल के बाहर एक बड़े से अजीब से डरावने पेड़ के एक टहनी पर कालू को एक अनजान घोंसला दिख जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त वो चुड़ैल
खाने की तलाश में घोंसले से बाहर गई थी। अरे ये किसका घोंसला है? पहले तो ये घोंसला यहाँ नहीं था। मुझे घोंसले के पास जाकर देखना पड़ेगा। लगता है घोंसले में कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ, तभी मुझे सच्चाई का पता चलेगा। कालू चुपके से घोंसले के अंदर जाकर देखता है। अंदर जाते ही कालू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरे घोंसले में हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे, अंडों के छिलके और तंत्र मंत्र का सामान भी पड़ा हुआ था। कालू समझ जाता है कि ये कोई मामूली पंछी का घोंसला नहीं है। कालू एक सेकंड का भी वक्त ना गवाते हुए वहां से अपनी जान बचाकर निकल लेता है और पास वाली एक पेड़ की टहनी पर एक बड़े से पत्ते के पीछे छुपकर उस घोंसले पर नजर रखता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, तभी वहां पर चुड़ैल पक्षी के रूप में उड़ते हुए आ जाती है। घोंसले के पास आते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है और घोंसले के अंदर चली जाती है। ये सब नजारा कालू पास वाले पेड़ की टहनी पर बैठकर देख रहा था। अच्छा तो ये एक जादूगरनी चुड़ैल है। लगता है यही रात में जंगल में आकर पक्षियों के अंडे चुराकर खा रही है। इसके पहले कि ये आज रात को फिर से किसी के अंडे चुराकर खा ले, उसके पहले मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। कालू सीधा वहाँ से निकलकर तंत्र मंत्र करने वाले जादूगर तोते के पास आ जाता है। कालू सारी बातें तोते को बता देता है। बस इतनी सी बात, मैंने ऐसे बहुत सारे चुड़ैलों को धूल चटाई है। रुको, मैं अभी तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। जादूगर तोता अपनी पोटली से बड़ा सा जादुई अंडा निकाल लेता है और कालू के सामने रख देता है। कवे, मेरी बात ध्यान से सुन, ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये एक जादुई अंडा है। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, कैसे भी करके तुम्हें उस चुड़ैल को इस अंडे के पास लेकर आना होगा, और जैसे ही वो चुड़ैल इस अंडे को छू लेगी वो तुरंत इसके अंदर कैद हो जाएगी। उसे इस अंडे तक कैसे लाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप बस ये अंडा यहीं पर रख दीजिए और यहीं कहीं आसपास छुप जाइए। अगर वो यहाँ आ गई और उसके अंडे को छूने पर भी अगर वो इसके अंदर कैद नहीं हुई, तो आप कोई दूसरा जादू करके उसे कैद कर लेना। ठीक है, अब जल्दी जाओ और उस चुड़ैल को यहाँ तक लेकर आओ। रात हो गई थी, सारे पंछी सो गए थे। इधर कालू चुपके से चुड़ैल के घोंसले की खिड़की के पास आ जाता है और बड़बड़ाने लगता है। सुना है जंगल के उत्तर दिशा में बरगद के पेड़ के पास जो झरना है, उसके पास ही एक शुतुरमुर्ग ने ताजा ताजा अंडा दिया है। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना बड़ा होता है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट। मैं अभी जाता हूँ और उस अंडे की दावत उड़ाता हूँ। कालू वहाँ से निकल जाता है। कालू की ये सारी बातें चुड़ैल अंदर से सुन रही थी। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। कितने दिन हो गए मैंने शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं खाया। मुझे शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत पसंद है। इसके पहले कि ये कौवे का पिल्ला उस अंडे को खा ले, मैं उसके पहले ही वहाँ पर चली जाती हूँ। चुड़ैल बिना अपना रूप बदले घोंसले से निकल पड़ती है और कालू के पहले ही अंडे के पास आ जाती है। जैसे ही वो अंडे को छू लेती है, वो उस अंडे के अंदर कैद हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और एक बेटी, बेटे का नाम बू और बेटी का नाम गुड़िया था। गुड़िया बहुत अच्छी थी, वो अपनी मम्मा का हाय कहना मानती और अपनी मम्मा के साथ सारे काम करवाती थी। जबकि बू बहुत आलसी था, वो अपनी मम्मा को हर समय रंग करता था। बुबू की मम्मा अपने बच्चों से कहती है, बच्चों आज हम थोड़ी दूर तक जाएंगे और मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। एक्सरसाइज करने से हम स्वस्थ रहते हैं। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है, मगर बू अपनी शक्ल